हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो इस शॉर्ट कंसेप्ट में हम लोग समझने वाले हैं क्या है रोल एम साइक्लिन का और एम सीडीके का। तो ऐसा एक चीज आप जानते हैं, सेल साइकिल जो है वो रेगुलेटेड होती है बाय साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस। अलग अलग फेजेस के अंदर डिफरेंट साइक्लिन वर्क करते हैं और ये साइक्लिन आगे जाकर के रेगुलेट करते हैं सीडीकेस को। सीडीकेस किसी प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करते हैं और फिर उस फॉस्फेट प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और वो आगे जाकर के एक्टिविटीज करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके पास में फेजेस है डिफरेंट सेल साइकिल के और वहां पर डिफरेंट साइक्लिन्स है और सीडीकेस वहां पर वर्क कर रहे हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे कैसे रोल है एम साइक्लिन का और एम सीडीके का। ये एम साइक्लिन और एम सीडीके आपको मिलता है इन दी माइटोटिक फेज। ये एम फेज के अंदर मिलते हैं साइक्लिन्स और सीडीके। यहां पर साइक्लिन काम आता है साइक्लिन बी और सीडीके यहां पर काम आता है सीडीके वन। ये यहां पर काम आएगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले अब एक बार देखें कि जीवन साइक्लिन जो होता है, जीवन चेक पॉइंट डीएनए डैमेज को चेक करता है कि अगर डीएनए डैमेज है तो P53 क्या करता है, सीडीके इनिबिटर को एक्टिवेट करता है। गार्डियन आप लोगों को है ना, सर भी विशाल सर भी सेल सिग्नलिंग में बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये क्या कर देता है, यहां पर इनिबिट कर देता है सेल साइकिल को और आगे सेल पॉज हो जाता है। जीवन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, आगे जाकर के ये नेक्स्ट फेज के अंदर नहीं जाता, एस फेज में नहीं जाता अगर कोई डीएनए डैमेज है, रिप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर यही हम देखें कि जब एम फेज में जाने वाला है, ये एम फेज के अंदर मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, तो क्या रोल है एमसीडीके का। तो आप जानते हो प्रो फेज के अंदर क्या स्टेजेस होती है, प्रो फेज के अंदर कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन यही करवाता है एमसीडीके, क्योंकि ये आगे जाकर कई सारे ट्रांसक्रिप्शन रोल्स कर प्ले करेगा जिसकी वजह से कई सारी एक्टिविटीज होगी। यहां पर देखा जाएगा प्रो फेज वन में हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लगता है, तो ये लैमिन प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करता है और वहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और वहां से रप्चर होने लगता है इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होने लगते हैं। उसी के साथ में माइटोटिक स्पिंडल्स के अपैरेटस में क्या होने लगता है, ये स्पिंडल्स का असेंबली होने लगती है, तो ये काम भी क्या है एमसीडीके का। तो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन वहां पर आने लगते हैं और ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लगते हैं। साथ में अलाइनमेंट होने लगता है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज प्लेट में, ये काम भी एमसीडीके का है। जब मेटाफेज स्टेज आती है तो वहां पर सेंटर के अंदर अलाइन होने लगता है और एक्टिवेशन करवाया जाता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस का, एपीसी का, और वहां पर इसके डायनेम्स ब्रेक किए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करवाया जाता है। ठीक है, तो एम साइक्लिन क्या कर रहा है, जैसे ही एक्टिवेट होगा फॉस्फोराइलेशन करेगा टारगेट एंजाइम्स को, तो एम फेज जो टारगेटेड है ये आगे जाकर के स्पिंडल फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होने लगेगी। देखिए बच्चा, हम देखिए यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका ब्रेकडाउन होने लगेगा, सीडीके और एम साइक्लिन अब इसके ऊपर एक्ट करेगी, तो ये फॉस्फेट ऐड करेगी टारगेट्स हमारे पास में जो लैमिन प्रोटीन है वहां पर, और फिर इसका डिग्रेडेशन होने लगेगा। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, ये कंडेंस होने लग जाएगा इसके बाद। देन एपीसी, एपीसी को एक्टिवेट किया, एपीसी क्या करता है, देखो यहां पर दो प्रोटीन साथ में प्रेजेंट है, एक है सेक्यूरिन और दूसरा है सेपरेज, तो ये क्या करता है, ये यूबीक्विटिन ऐड करवाता है किसके ऊपर, सेक्यूरिन के ऊपर, क्योंकि सेपरेज एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स एनाफेज की स्टेजेस को बनाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करवाता है, लेकिन इसके ऊपर एक सेक्यूरिन बाइंड है तो ये सेक्यूरिन के ऊपर यूबीक्विटिनाइजेशन करता है, जिसके बाद में इसको रिसाइकल बीन में डाल दिया जाता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है और सेपरेज अलग हो जाता है। सेपरेज यहां पर देखो एक कोहेसिन प्रोटीन है जो कि क्रोमेटिड्स को बाउंड करके रखता है, तो ये सेपरेज इस कोहेसिन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं एक्टिवेट होने पर, तो इसका एक्टिवेशन भी कर देता है। तो एनाफेज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, रोल ऑफ सेपरेज, ये सिस्टीन प्रोटीएज है, क्लीव करता है SCC1 को, कोहेसिन को और सिक्यूरिन को, तो इसकी वजह से बच्चा एक तो ये देखो कोहेसिन है ये ब्रेक डाउन हुआ और यहां से हम देखते हैं कि ये सेपरेट हो गया, क्लीव हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या हुआ, एपीसी ने अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में
एक्टिव होगा, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट के अंदर ये इनएक्टिव रहेगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन का रोल देखते हैं अपने। ड्यूरिंग माइटोसिस एमसीडी की एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज डायरेक्टली फॉस्फोराइलेटेड बाय एमसीडी के टू ट्रिगर दिस प्रोसेस। तो लेमिन प्रोटीन का यहां पर डायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। एमसीडी के प्लेज अ रोल इन द असेंबली एंड द फंक्शन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द एमसीडी के एक्टिविटी। डीएक्टिवेशन ऑफ एपीसीसी, क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट द मेटाफेज स्टेज, फॉस्फोराइलेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन और द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। इनमें से कौन सा आंसर होगा कमेंट करके बताएंगे। ये जो आपके टॉपिक्स है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर गेट एक्सेल, गेट बीटी, गेट ईवाई 2025, क्योंकि यहां पर सेल बायोलॉजी कर रहे हैं हम लोग और सेल बायोलॉजी ये तीनों एग्जाम्स में पूछी जाती है। बच्चों फ्री मॉक टेस्ट है 20th जून को, ठीक है, आज ही है ये टेस्ट और 8 AM ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है, तो आप दे सकते हो इस टेस्ट को ifsonline.com के ऊपर और साथ में इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के रजिस्टर भी कर सकते हो बच्चा, है ना। और गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ में तो 50% ऑफ है गेट के रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर। IFAS 50 यूज करना है, स्कैनर को यूज कर सकते हो डाउनलोड करने को इस ऐप को, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। अभी 50% ऑफ है गेट के रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए। सो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है ना, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करके बताइएगा। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ूंगा। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, उसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट के अंदर। नेक्स्ट और वीडियोस के लिए बने रहें, ठीक है ना, IFAS के गेट चैनल के ऊपर। एंड आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपको ऐसा पढ़ना है, अगर आपकी कुछ इच्छा है कोई टॉपिक करने की, तो भी कमेंट करके बताएं कि सर ये टॉपिक लाया जाए और शॉर्ट में मैं आप लोगों को उस टॉपिक के डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, उस टॉपिक को आपको समझा दूंगा बहुत ही शॉर्ट वे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।